नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है, तो इन प्रदर्शनकारियों को लेकर योगी सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया। प्रदेश भर में करीब 1200 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलीगढ़ में 60 महिलाओं, प्रयागराज में 300 महिलाओं और इटावा में 200 महिलाओं और 700 पुरुषों पर केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद भी लखनऊ के घंटाघर से लेकर प्रयागराज के मंसूर अली पार्क में प्रदर्शन जारी है। रायबरेली के टाउन हॉल में भी मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच घंटाघर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में UPCR सेंट्रल वर्ल्ड बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। लखनऊ में महिलाओं का विरोध पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर सख्ती दिखाई और केस दर्ज कर दिया। दो दिन पहले यूपी पुलिस की ओर से लखनऊ में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। इसमें मशहूर शायर मुनव्वर राणा की 2 बेटियों का नाम शामिल है। यूपी के कानपुर, एटा, इटावा, अलीगढ़ में भी CAA के खिलाफ गोलाबंदी हो गई है और महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि जब तक CAA को मोदी सरकार वापस नहीं लेती तब तक धरना जारी रहेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर में CAA के समर्थन में आयोजित रैली में शिरकत करते हुए CAA के विरोध में धरने पर बैठने वाली महिलाओं के पतियों पर सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पुरुष घरों में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं धरने पर बैठी हैं। महिलाएं कह रही हैं कि पुरुषों ने कह दिया है कि वह अक्षम हो गई हैं। कानपुर में CAA के समर्थन रैली को संबोधित करते हुए CM योगी ने कहा है कि शरण में आने वालों की रक्षा करना भारत की परंपरा है, लेकिन जिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उनके लिए कानून है। जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए हिंदू, ईसाई और सिख महत्वपूर्ण नहीं है। अब कांग्रेस के लिए ईसाई भी महत्वपूर्ण नहीं है। वह कहती है कि ISI के लोग महत्वपूर्ण हैं।